फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्कल एंड शाइन। और आज का रिव्यू इज़ अबाउट अ वैक्यूम क्लीनर जो आपको इस लॉकडाउन के फेज में काफ़ी हेल्प कर सकता है। मैं आपको कार्शर के वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताऊंगी, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसका डिज़ाइन और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो ये है कार्शर का W3 प्रीमियम मॉडल और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इसका, काफ़ी लाइट वेट है। और इसके डिज़ाइन की बात करें तो स्टेनलेस स्टील का इसका कंटेनर है, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ का बटन है और नीचे जो है वो इसमें 4 व्हील्स दिए हैं जिससे कि इसका जो मूवमेंट है वो बहुत ही स्मूथ है। ये इसका सक्शन होज है और पीछे जो है वो यहाँ पर आपको केबल मिलेगा इसका, और बाकी ये सब इसके जो हैं वो अटैचमेंट्स हैं। अगर आपको इसकी ब्लोअर फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है तो इस सक्शन होज को आगे से निकाल के इस स्लॉट में पीछे को लगाना रहेगा। और इसको ओपन करके आप देखेंगे यहाँ पे ये फिल्टर है इसका, और अंदर जो है वो इसमें एक बैग है। ये बैग जो है जब आपको वेट क्लीनिंग करनी है तो ये बैग और ये फिल्टर दोनों को ही आपको बाहर निकाल देना है और बस काम हो जाए। तो इसको वापस से इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं आराम से, और लाइट वेट तो ये बहुत है। और इसमें इसी में जो है वो अटैचमेंट्स को होल्ड करने के लिए यहाँ पर स्लॉट्स भी दिए हुए हैं। अब देख लेते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो ये तो मैं आपको एक नॉर्मल दिखा रही हूँ कि अगर ज़मीन एकदम साफ़ है और थोड़ा कूड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है तब तो ये वर्क करेगा ही करेगा। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा, जो स्पेशली आजकल बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं ज़मीन पर, जैसे उस पर्पज़ से अगर देखें तो ये बहुत ही ईजिली, जो जितना देर झाड़ू पोछा करने में लगता है बहुत ही ईजिली ये कर रहा है। ये मेरी किचन की फ्लोर है जहाँ पे ज़्यादातर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटे मोटा सामान, जैसे कि कभी यू नो प्याज के छिलके गिर गए और कुकिंग कर रहे हैं तो काफ़ी सामान रहता है, तो वो तो बहुत ही ईजिली क्लीन कर रहा है। तो ड्राई के लिए तो हमने देखा कि ये बहुत अच्छा है, बहुत ही इफेक्टिव है। अब आके देख लेते हैं कि वेट क्लीनिंग के लिए कैसे वर्क करता है और कितना इफेक्टिव है। ये देखिए यहाँ पे मैंने काफ़ी पानी डाल दिया था और इस तरीके से इसको जो है अगर आप क्लीन करेंगे तो ये पानी बिल्कुल अच्छे से सोख लेगा और एकदम ड्राई होगा और निशान नहीं पड़ते हैं। और अब ओपन करके इसमें आप देखिए जितनी भी गंदगी है, जो भी गंदा पानी है वो इसमें कंटेनर में ऐसे आ जाएगा। बस अब इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है और एक बार साफ़ पानी से धो दीजिए और थोड़ा सा किसी सूखे कपड़े से अच्छे से इसे क्लीन कर दीजिए और इसमें वापस से बैग लगा के इसे पैक करके रख लीजिए। दो चीज़ें मेरे को इसके बारे में अच्छी नहीं लगी हैं, जबकि आप कह सकते हैं ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे इसमें साउंड, और सेकंड चीज़ जो है वो इसकी कॉर्ड लेंथ वो मुझे थोड़ी सी कम लगी, एटलीस्ट 5 मीटर्स होनी चाहिए थी शायद, तो और बेटर होता ये। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल, जो आपको हेल्प करेगा शायद डिसीजन लेने में, वो ये कि इसको आप मॉपिंग का सब्स्टिट्यूट मत समझिएगा। ये नहीं है कि आप ये सोचें कि ये मॉपिंग के लिए ही बना है, नो, जो इसमें लिखा है कि इट इज़ फॉर वेट एंड ड्राई क्लीनिंग। वेट ये है कि मैं इसको कैसे एज अ मॉपिंग यूज़ कर रही हूँ कि मैं पूरे में पानी डाल देती हूँ रूम्स में और फिर जाके वैक्यूम कर देती हूँ तो रियली रूम्स में शाइन हो जा रहा है। तो मैं हफ्ते में 2 बार इस तरीके से करके फ्लोर्स को क्लीन कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आपके भी घर में वर्क कर सकता है एंड इट कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर मॉपिंग फॉर अ टाइम बीइंग, तो आप इसको ज़रूर खरीदें। दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट रिव्यू में। टिल देन बाय बाय।